हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। तो कुछ महीने पहले हम लोगों ने एडॉप्शन फॉर कॉमनर्स की एक सीरीज निकाली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, ताकि एडॉप्शन से रिलेटेड काफी लोगों के जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आंसर हो सके। तो ये सीरीज निकालने के बाद हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हमें समझने के लिए, मेल किया हम लोगों को, कॉमेंट्स में भी हमसे काफी सारे सवाल पूछे, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट कॉल भी किया, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल किया और मैसेजेस किए। तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। और एक और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की, वो बात थी कि आप ये वीडियो हिंदी में क्यों नहीं बना रहे हैं, आपने सिर्फ इंग्लिश में क्यों बनाया है। तो हमने एक कॉमन क्राउड को मतलब टारगेट करके इंग्लिश में बनाया था, बट क्योंकि काफी लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में अब आप ये वीडियोस बनाइए, तो मैं आपके लिए सेम सीरीज जो है वो हिंदी में लेके आ रही हूँ। कुछ टॉपिक्स जो पहले से हमने बनाए हैं और कुछ टॉपिक्स कुछ नए भी हो सकते हैं इसमें। तो आज का जो ये एपिसोड है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है कि कारा में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो कारा में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, घर बैठे बैठे आप एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर वर्क आप कह लीजिए या फिर ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है जो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप दत्तक ग्रहण के लिए तैयार होने जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर किसी की वजह अलग होती है अडॉप्ट करने के लिए। उसके लिए जो तैयारी होती है, जो बैकग्राउंड है उसका, आप खुद कन्विंस होते हैं या फिर आप खुद चाहते हैं लेकिन आपके स्पाउस नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स को आप कैसे बताते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे अपने आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ एक फॉर्म फिलअप कैसे करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्रोम ओपन करेंगे तो आपको ये गूगल पेज ओपन हो जाएगा। तो गूगल में आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है kara.nic.in। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपका ये कारा का जो है होम पेज ओपन हो जाएगा। तो कारा का जो ये होम पेज ओपन हो गया, आप इसमें आप देख सकते हैं होम है, अबाउट अस, रोल एंड सेंटर, पेरेंट्स, ग्लिम्स, ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए जो पेरेंट्स ऑप्शन है वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप रेजिडेंट इंडियन पेरेंट हैं या फिर आप OCI या फॉरेनर हैं जो लिविंग इन इंडिया है, या फिर आप NRI हैं। तो आप रिलेटिव एडॉप्शन करना चाहते हैं, एडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपको जो है सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, जो इंडिया में जो मैक्सिमम जो होता है वो इंडियन रेजिडेंट पेरेंट हैं, जो इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट हैं, तो आपको यहाँ से लॉग इन करना होगा। अगर आप नए पेरेंट हैं जो रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स में। तो इसमें आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस फॉर एडॉप्शन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सर्च एडॉप्शन एजेंसी और रजिस्टर ऑनलाइन। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले जो है आप ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या बताया गया है, ताकि आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन उसमें डालने के टाइम पे दिक्कत ना हो। तो अभी हम चलते हैं रजिस्टर ऑनलाइन पे। रजिस्टर ऑनलाइन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे फॉर्म दिया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन एक टैब आ रहा है, जो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ये ब्राइट हो जाता है। तो अब जब आप इसे क्लिक करेंगे, मैं इसे ओपन इन ए न्यू टैब कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो आप इस पेज पे आप जाएंगे जो इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आप देखिए कि ये डिटेल में जो है आपको सारे इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक बार आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उससे पहले इस पेज को जरूर आप खोल के देख लीजिएगा। तो वापस चलते हैं हम अपने फॉर्म पे। तो फॉर्म में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है,
जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं या डिवोर्सी हैं, तो ये आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका एप्लीकेंट कैटेगरी स्टेटस आपको पूछा जा रहा है। माफ कीजिए, क्योंकि मैं ये लैपटॉप से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये स्क्रीन मुझे छोटा बड़ा करना पड़ रहा है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ। एप्लीकेंट कैटेगरी है, एप्लीकेंट कैटेगरी में जो है अपना स्टेटस आपको बताना है कि आप कपल हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जिस यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन आपका बताना है कि आप सर्विस में हैं, बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर आप काम नहीं कर रहे हैं, वो जो भी है वो आपको सारा यहाँ पे लिखना है। प्लेस ऑफ वर्क, आप कहाँ पे काम करते हैं ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे मतलब डालना होगा अपना, कहाँ पे आप काम करते हैं। एनुअल इनकम भी यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने आप बोला है एनुअल इनकम आपको डालना है। देखिए, एनुअल इनकम का पर्पस ये नहीं है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना अगर आप कमाते हैं तो ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जो है मुआयना किया जाता है HSR में, मतलब कि आपका जो होम स्टडी रिपोर्ट आपका बनाया जाता है, तो होम स्टडी में ये आपका डिटेलिंग में, या फिर आप कह लीजिए कि डिटेल में लोग ये देखते हैं कि क्या आप इस मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि एक बच्चे की डिसेंट तरीके से परवरिश आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस यही एक पर्पज होता है एनुअल इनकम जानने का। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में ये क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, अगर आपके ऑलरेडी कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है तो आपको यहाँ डालना है। अगर आपने पहले भी अडॉप्ट किया है तो आपके कितने अडॉप्टेड बच्चे हैं वो डालना है, टोटल कितने बच्चे हैं आपके ये डालना है। अगर नहीं है तो ये 0 बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको आपका रेजिडेंस एड्रेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको डालनी है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेलेक्ट एजेंसी फॉर होम स्टडी रिपोर्ट नियर बाय टू योर रेजिडेंस। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप होम स्टडी के लिए कोई एजेंसी चूज करेंगे तो वो एजेंसी जो है आपके घर के करीब वाला एजेंसी ही चूज करिए, मतलब वो आपके सिटी में होना चाहिए, किसी और सिटी में नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के ही किसी मतलब एजेंसी को आप सेलेक्ट करिए। अगर आप जैसे लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ का एजेंसी सेलेक्ट करिए। अगर आप जैसे कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता की किसी एजेंसी को सेलेक्ट करिए। आपको एजेंसीज के एड्रेसेस भी साइट पे अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए कि कौन सी एजेंसी आपके घर के नियरेस्ट है, या फिर उस एजेंसी के रिव्यूज वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया है तो ये मतलब इनवैलिड ऐसे दिखा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर एडॉप्शन। 1 मिनट, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर एडॉप्शन पूछा गया है। तो इसमें चाइल्ड के सारी डिटेल्स आपको डालनी है, आपको कैसा बच्चा गोद लेना है, जेंडर, अगर आपको अगर बॉय गोद लेना है तो बॉय सेलेक्ट करिए, गर्ल लेना है तो गर्ल। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर जेंडर का ऑप्शन नहीं रखना चाहते हैं तो आप नो चॉइस करिए। चाइल्ड कैटेगरी, आप एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं या फिर आप सिबलिंग्स गोद लेना चाहते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है कि भाई बहन हो या बहन बहन हो, एक ही माँ बाप के जो दो बच्चे होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। तो अगर आप सिबलिंग्स गोद लेना चाहते हैं तो सिबलिंग्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हेल्थ स्टेटस, आप नॉर्मल बच्चा चाहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकल एंड मेंटल चैलेंज बच्चा चाहते हैं, जैसा आपको बच्चा गोद लेना है वैसा आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एज आप सेलेक्ट करेंगे, किस एज ग्रुप का बच्चा आप यहाँ पे चाहते हैं वो आप एज ग्रुप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास स्टेट्स दिए हुए हैं एडॉप्शन के लिए, आप कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टेट नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रॉम एनी वेयर का ऑप्शन है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, आपको कम से कम
200 वर्ड्स में जो है आपको यहाँ पे लिखना है कि आप एडॉप्शन क्यों करना चाहते हैं, आपकी वजह क्या है एडॉप्शन की, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, वो आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म इस तरह से सबमिट करना है। तो एक बार आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो अगले पेज में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपके लिस्ट में दिया हुआ है, जब मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स का, जो यहाँ पेरेंट्स में आप गए, रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट्स, न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स, यहाँ पे आप जो सारी डिटेल्स देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी एक प्रॉपर साइज दिया हुआ है, फाइल साइज, और इसी फॉर्म में होना चाहिए, लाइक पीडीएफ में ही होना चाहिए या फिर वर्ड में होना चाहिए, फोटोग्राफ कौन से साइज की होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो फिर आप यहाँ कारा का जो ये टोल फ्री नंबर है इस पे आप कॉल करिए, और या फिर आप यहाँ पे कारा के हेल्प डेस्क पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है ये काफी आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पेचीदा ये नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपको फिलअप करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा ये आप लोगों को एडवाइस रहेगा कि आप कारा के हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें और उनसे इस बारे में बात करें कि आपको ये फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रही है तो आप आगे क्या कर सकते हैं। तो या तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करिए, या फिर अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे स्टेट एडॉप्शन एजेंसीज हैं आपके नियर बाय एरिया में, तो आप वहां पे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो फिर आप कारा के ऑफिस में ही आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं कि क्या आप वहां पे काउंसलर से मिलके उनके साथ ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए और मुझे जरूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है आप ये वीडियोस चाहते हैं एडॉप्शन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगी आप तक उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना।